नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन लाइव मार्केट दिखाऊंगा। इसमें मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। कैसे किया, कौन सा स्ट्रेटजी से कैसे स्ट्रेटजी अपना के ऑप्शन चेन एनालिसिस करके प्राइस एक्शन देख के, ठीक है। और इसके साथ ही ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी और पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग को मेरा स्टॉक ट्रेडिंग एडवाइसर .com मेरा वेबसाइट से कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल करके बहुत आसानी से मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ और बाइंग सेलिंग लेवल्स भी दिखाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी और इक्विटी का, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजी साइज सेटअप्स है। इसके अलावा मैंने बीच बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो अलॉट कर देता हूँ, एडुकेशनल पर्पज़ वीडियो अलॉट कर देता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारा चार्ट का स्ट्रैटेजी है सेटअप्स है, जो आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, उसमें आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और जो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना हुआ है वो आप लोग देखिए, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, इसमें आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा जो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरत होता है, जो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए जरूरी होता है। मैंने जानता हूँ कि जो कौन सा क्या क्या चीज़ सीखना पड़ता है, मैंने भी कुछ सीखा हूँ अपना मिस्टेक से सीखा हूँ, तो इसीलिए मैंने जानता हूँ कि इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो और उसको माइनर डिटेल्स में सिखाता हूँ। तो इसीलिए आप लोग को इधर से जो हर एक चीज़ माइनर डिटेल्स में सिखाता हूँ, ताकि आप लोग इंडिपेंडेंट टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है, जो आप लोगों को 10 गुना 20 गुना ज़्यादा खर्च करके 50 से 1 लाख खर्च करके भी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग जो सिखाएगा वो आप लोग को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने इधर से आप लोग को प्रैक्टिस दिया जाता हूँ, जब तक ना आप लोग इंडिपेंडेंट जो सिखाता हूँ तो वो देखता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंट कर पाता है क्या नहीं पता है, तो इसलिए आप लोगों को ये ट्रेनिंग बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एंजल ब्रोकिंग आस्था टे डैलिस ब्लू आप स्टॉक्स का ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है। वो भी आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, वो भी आप लोगों को लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा, आप लोगों को फ्री कॉल मिलेगा, ठीक है, जो कि एक्यूरेसी एटलीस्ट 90% का ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने निफ्टी का फ्यूचर का 1 आवर का चार्ट मैंने देख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से देखिए, 1 आवरली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन जो है इधर से ब्रेक हुआ है, और इसका इधर से फिबोनाची का लेवल्स भी मैंने ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। इसका ऊपर जाने के लिए 752 लेवल का ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, 752 का लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, इसका ऊपर 775, ठीक है, इसका ऊपर का जो लेवल होगा 775, इसके ऊपर 780 820, ठीक है, और 839, और नीचे अभी इसका नीचे का ही ट्रेंड है, ठीक है, नीचे का ट्रेंड है, और इधर से 700 का नीचे जाएगा तो और भी नीचे आएगा, 683 642 तक इसका आ सकता है, ठीक है। और इसका ये इधर से देखिए RSI का जो है वो भी नीचे का डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। इधर से 30 मिनट का चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, 30 मिनट का चार्ट में भी RSI नीचे दिख रहा है, ठीक है, और 15 मिनट का चार्ट में भी नीचे दिख रहा है, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट में भी ये अभी तक नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल में टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया कर लेना चाहिए, ठीक है। इधर से देखिए 5 मिनट का चार्ट में भी ये नीचे दिख रहा है, अच्छा, तो मैंने फिर से 1 आवरली चार्ट देखता हूँ, ठीक है, 1 आवरली चार्ट देखता हूँ। इधर से देखिए एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी इसका ब्रेक हो गया, इसका क्लोजिंग दिया था, तो इसका नीचे जाएगा तो ये नीचे जाएगा और भी। और इधर से ऑप्शन चेन को देख लेता हूँ, ऑप्शन चेन का जो क्या स्थिति है वो एक बार देख लेता है, ठीक है। आज एक्सपायर का दिन है, तो ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना बहुत ही वाइटल है, सभी समय ऑप्शन चेन को देख लेना चाहिए।
इधर से निफ्टी का जो लेवल निफ्टी का ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है तो ये पीसीआर रेशियो इसका 0.60 का नीचे हो गया है, ठीक है। 15,800 में इसका रेजिस्टेंस बना है। इधर कॉल शॉर्टिंग हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से इधर से पता चलता है। 15,800 में देखिए पूरी बाइंग दिख रहा है। 15,700 का लेवल पे भी कॉल सेलिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इधर से देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 62,000 और 15,700 में पुट शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑनली 42,198, ठीक है। और इसका जो निफ्टी का जो डेली रेंज है 150 का डेली रेंज है, तो ये अभी 775 और 696 मतलब 70-80 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है। तो इसका अभी नीचे जाने का प्रॉब्लम अपसाइड में ये कवर करके अपसाइड में और भी 700 पॉइंट जाना इसका मुश्किल रहेगा, तो नीचे का साइड में मार्केट को जाना चाहिए। और इधर से देखते हैं जैसे इसका निफ्टी का जो है ओपन इंटरेस्ट चेंज देखिए कॉल साइड ऊपर है, कॉल ऊपर है और पुट नीचे है, तो ये नीचे जाने का क्वालिटी दिखेगा। और पुट का डिफरेंस जो है ये नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, और इधर से नेगेटिव दिख रहा है, तो इसका तो ये नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। और इधर से आप लोग देख सकते हैं, इधर से इंडिया मिक्स का हिसाब से देखिए इसका निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल है, निफ्टी और निफ्टी का जो अपना लोअर रेंज हो सकता है ये एनुअल का है और ये मंथली का अपना लोअर रेंज हो सकता है, ठीक है। ये वीकली का, ये वीकली अपर लोअर रेंज होगा और डेली का अपर लोअर रेंज ये होगा, ठीक है। आज का जो डेली का रेंज अपर लोअर रेंज ये 15,874 से 15,619 तो इसका बीच में रहेगा, तो ऑलरेडी 775 अपसाइड में मूवमेंट हो गया है, तो नीचे जाने का प्रॉबिलिटी इसमें से बनेगा। ये इंडिया मिक्स से पता चलता है, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है और वोलेटिलिटी से, ठीक है, तो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। और इधर से मैंने कैलकुलेटर से भी करके रखा हूँ, तो इधर से कैलकुलेटर जो है मेरा वेबसाइट में जाएंगे stocktradingadvisor.com में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इधर से जो कैलकुलेटर रहेगा आप लोग को मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इधर से गान लेवल भी अवेलेबल है, गान लेवल फॉर इंट्राडे और पोजिशनल गान लेवल का भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने निफ्टी फ्यूचर का इसका इधर बैठा देता हूँ, निफ्टी फ्यूचर का इसका लेवल बैठा देता हूँ 15,796, ठीक है, हाई लो बैठा रहा है। और इधर से करंट प्राइस चल रहा है 15,721, ठीक है, 15,721। से देखिए ये 744 के 15,744 61.8% इसका 744 होगा, इसका नीचे ये नीचे जाएगा, ठीक है, और 702 का नीचे ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये सब लेवल्स नीचे का लेवल्स इसका ये हो सकता है, आप लोग इसका नोट कर ले सकते हैं और आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर से देखिए आप लोग देखिए इसका 15,000 निफ्टी का जो 15,900 का कॉल मैंने हेजिंग करता हूँ, ऑप्शन हेजिंग में देखिए 15,900 कॉल चल रहा है 128 पे, ठीक है, जुलाई महीना का एक्सपायरी का 127 पे चल रहा है। और 16,500 का कॉल चल रहा है 13.10, इसमें आप लोग इसको सेल कर सकते हैं, 15,900 का कॉल सेल कर सकता है और 16,500 का कॉल 13.10 में बाई कर सकता है, ठीक है। और इधर से 15,700 का पुट 5 जुलाई का जो करंट का है इसको 26.35 में बाई कर सकता है, ठीक है, और बैंक निफ्टी का भी 34,800 का कॉल बाई कर सकता है, ऐसा रिसेल कर सकता है। और इधर से ये 34,800 का कॉल भी सेल का बाई कर सकता है
और जो लोग नेकेट कॉल करना चाहता है, नेकेट ऑप्शन करना चाहता है, ये 34,500 का पुट खरीद सकता है, ठीक है। तो 1 जुलाई का, ठीक है। अच्छा, इधर से इसका जो रहेगा, और मैंने रिलायंस का भी देखता हूँ, ठीक है, रिलायंस का देखता हूँ। रिलायंस में पेयर ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है, रिलायंस से पेयर ट्रेडिंग करूँगा। तो निफ्टी ज़्यादा गिरा है और रिलायंस कम गिरा है, तो रिलायंस को सेल करता है, रिलायंस का 2100 फुट सेल करेंगे 91.60 पे, ठीक है। और इसका 15,900 का कॉल सोच लीजिए, निफ्टी का इसके साथ बाई किया है, ठीक है, इसमें पेयर ट्रेडिंग बनेगा एक, ठीक है। इसका पुट चल रहा है 91 पे, और इधर सोच लीजिए 127 पे 15,000 का कॉल चल रहा है, 15,900 का कॉल जुलाई महीना एक्सपायरी का, तो इसमें एक पेयर ट्रेडिंग बना है। अच्छा, और भी देखते हैं, SBIN और बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। SBIN चल रहा है 0.69 और बैंक निफ्टी का घाटा हुआ है, ठीक है। तो SBIN को सेल करना पड़ेगा, SBIN का 400 का पुट सेल करना है, ठीक है। 400 का पुट 11.95 चल रहा है, और बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का सोच लीजिए, का कॉल, ठीक है, जुलाई एक्सपायरी का, वो 46 चल रहा है, वो इसको बाई किया है, ठीक है, इसको भी बाई किया है, इसको, इसमें एक पेयर ट्रेडिंग बनेगा, ठीक है। अभी मार्केट को आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, जब कुछ लेवल आएगा तो आप लोगों को फिर से दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, मार्केट 754 का मैंने बोला था, 754 के ऊपर मैं फिर से ऊपर गया, ये 769 तक गया था, ठीक है। और इधर से इसका जो पी निफ्टी का पुट का जो पी जो था वो 234 से सेल कर गया था, ये 219 तक आया था। और निफ्टी ने जो बाई किया था, निफ्टी 15,000 का पुट जो बाई किया था, ये 34 से 32.30 आ गया है, ठीक है। और इधर से देखिए, इसका कॉल जो है 15,900 का कॉल, निफ्टी जुलाई 15,900 का कॉल 125 से 139 चल रहा है, ठीक है। 16,500 का कॉल थोड़ा सा नीचे है, और निफ्टी जुलाई का पुट नीचे आ गया है, इसको सेल किया गया है। और बैंक निफ्टी का कॉल 71 से 130 चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।